हाय। और मैं नहाकर अपना काम निपटा कर आ गई हूँ गाइस। और ये देखो, आज मैंने वही कुर्ती पहनी है जो मैंने तैयार की थी। इसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था। अब मैं थोड़ी सी कर लेती हूँ तैयारी। तो अभी बजे हुए हैं 4 और मैं पहले बॉईल करने रख देती हूँ छोले। मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा मेकअप वेकअप की तैयारी। अभी मैंने नेल पेंट भी नहीं लगाया है। चूड़ी पहनते हैं, बिछवे पहनते हैं और नेल पेंट लगाते हैं। चलिए करते हैं। चूड़ियाँ मैंने पहन ली हैं और अब मैं नेल पेंट लगाऊंगी। और जब तक मेरे छोले उबलेंगे तब तक मेरा नेल पेंट आराम से सूख जाएगा। और मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी गाइस। ये देखो, हुआ ये था कि कल अचानक से ही इनके फ्रेंड्स ने हम लोगों को खाने पे बुला लिया। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं दिन में लगा लूँगी, लेकिन दिन में मुझे अपने साइट पे जाना पड़ा और वहाँ मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो मैं दिन में भी नहीं लगा पाई थी और रात को इनके फ्रेंड के यहाँ चले गए थे, जिसकी वजह से मैं शाम को भी नहीं लगा पाई। आते आते 11 बज गए थे। तो उसके बाद फिर घर पे आके घर का काम निपटाया, बच्चों को सुलाना था, सुबह स्कूल का टाइम था, सर्दी का भी टाइम था सुबह जल्दी जागने का। तो मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, तो मैंने थोड़ा सा बस इतनी सी मेहंदी ये मैंने रात लगा ली थी। और इस हाथ पे अभी कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पर भी अभी थोड़ी सी लगाने वाली हूँ। इसको उल्टा करके समझ जाइएगा। मैंने पैरों पे मेहंदी तो 2 दिन पहले लगा ली थी, ये सोच के कि एक दिन पैरों पे लगा लूंगी और एक दिन पहले मैं हाथों पे लगा लूंगी, लेकिन हाथों पे लगाने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया। हम लोगों के यहाँ पहले जमीन को अच्छे से साफ करके, पोछा लगाकर, पवित्र करकर चौक पूरते हैं, तो मैं वही कर रही हूँ। और चौक पूरने के बाद ही मैं यहाँ पर आसन लगाऊंगी और माँ पार्वती की प्रतिमा गणेश जी के साथ और माँ करवा चौथ का कैलेंडर लगाऊंगी। हर बार तो मैं ये काम 12 से 1 बजे के बीच में कर लिया करती थी, लेकिन आज मैंने बहुत मुश्किल से पूजा के टाइम तक काम निपटाया है। और अभी बजे हुए हैं 3:30 और ये इतनी जल्दी मैं कर रही हूँ, मतलब इतना लेट हो गई हूँ। जल्दी जल्दी मुझे सब करना पड़ रहा है। और चौक भी मैंने छोटा सा ही पूरा है, वरना जितने में मेरा पूरा पूजा का सामान रखा जाता था मैं पूरे में फैला के बनाती थी रंगोली टाइप की, और बहुत अच्छा लगता था। इस बार जितना समय है उतना काम कर रही हूँ। खाना मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। मैं पहले चेंज करूंगी, फिर उसके बाद मैं मेकअप शेकअप करके आपके सामने आऊंगी। कैनकन स्कर्ट पे मैं लहंगा स्टाइल की साड़ी पहनने जा रही हूँ। इस स्कर्ट का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो मेरा पर्पस यही था कि मैं आज इस तरह से साड़ी पहनूँ, उसी के लिए मैंने ये स्कर्ट तैयार की थी। करवा चौथ के साथ साथ आज अनिल जी का जन्मदिन भी है, लेकिन मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं वो उनके बर्थडे की तैयारी भी कर पाती। अचानक पे साइट पर जाना पड़ गया, उसकी वजह से मेरे सारे प्रोग्राम जो मैंने सेट कर रखे थे सब गड़बड़ा गए हैं।
अभी बस पूजा का व्रत का काम ही मेरा हो रहा है। बच्चे काफी नाराज हो रहे थे कि मम्मा आपने बर्थडे की तैयारी नहीं की, बर्थडे की तैयारी नहीं की। लेकिन जब जितना टाइम हो तब तो उतना ही काम करना सही सही रहता है। ये मेरी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। मम्मी अभी चांद निकलने में थोड़ा सा टाइम है तो मैं पूड़ियां बना के रख ले रही हूँ और थोड़ी सी अभी पूजा के लिए बना ले रही हूँ, थोड़ी सी गरम गरम बनाऊंगी। और अब हो गया है पूजा का टाइम और ये मेरी शादी की चुन्नी है फ्रेंड्स। पूजा तो चुन्नी ओढ़कर ही करनी होती है इसलिए अब मैं पूजा कर ले रही हूँ। बच्चे शोर मचा रहे हैं कि मम्मी चांद निकल आया है, जल्दी आओ जल्दी आओ। और छत पे भी जहाँ पूजा करते हैं वहां पर भी हमें चौक पूरना होता है। फ्रेंड्स करवा चौथ पूरा हो गया है और मैंने खाना खा लिया है। पूरे दिन भूखे रहने के बाद मैं जब खाना खाओ तो खाना खाते ही ऐसे लगने लगता है कि जैसे कितना भारी भारी हो गया है। तो अब मैं करती हूँ वीडियो को एंड और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय, लव यू, करवा चौथ वंस अगेन।